सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वाले वीडियो हम लोग खेलने वाले क्लैश ऑफ क्लैंस। एंड गाइस तुम्हारा भाई आज को एक नई सीरीज लेकर, यस गाइस, इस वाली सीरीज में हम ये लोग क्या करने वाले, हम लोग अपना टाउन हॉल 11 फ्रॉम द वन बिल्डिंग रश्ड टू द मैक्स बिल्डिंग करने वाले इन ओनली 6 मंथ। पता है भाई सब बहुत मुश्किल है, बहुत रगड़ना पड़ेगा पता है, लेकिन थोड़ा रगड़ तो लो यार। अब कब तक मैं बैठूंगा अपने टाउन हॉल ऐसे रश लेकर। तो अब मैंने सोच लिया अब मैक्स करने, अब सीरीज बनानी है, ठीक है। एंड गाइस अब आपको सीरीज की अपडेट कहाँ कहाँ मिल पाएंगी, अब सब कम्युनिटी पोस्ट कर पाऊंगा मैं, यूट्यूब शॉर्ट डाल पाऊंगा, एंड बड़े वीडियोस भी बना सकता हूँ मैं, एंड लाइव स्ट्रीम। सब्सक्राइबर चाहिए उसके लिए पहले तो। हाँ नहीं ज़्यादा बात नहीं करेंगे, टाउन हॉल 11 अभी हुआ है, जस्ट देखो यार बूस्ट देख लो, अभी जस्ट हुआ है। नई चीज़ें क्या है, सुपर ट्रूप, ग्रैंड वार्डन, इलेक्ट्रो ड्रैगन, आइस गोलम, इनविजिबिलिटी स्पेल, इलेक्ट अरे यार ईगल आर्टलरी, कितना जीरो बात खेल रहा सच में, एंड अ न्यू ट्रैप, एंड बहुत फेवरेट है। ब्लेम को ऐसा फंसा देगा ना ये बंदा, द टॉर्नेडो। एंड अगर इस वाली एक ही आईडी जिसमें मैंने ये कंप्लीट किया था सच में, मैशअप, मैं ही खुद मैशअप हो गया था सच में। तो मेरे पास देखिए स्टोरेज लगभग फुल है लगभग, एंड यहाँ पर हमारे पास अच्छा खासा गोल्ड है। लेकिन वार्डन जो है पहले वो कलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पर वार्डन को प्लेस कर देते हैं, 6 लेवल का मिलेगा क्योंकि बूस्ट है ऑब्वियसली, इतना तो बेसिक नहीं बताना चाहिए मुझे। एंड गाइस टॉर्नेडो भाई इतना महंगा। तो बस उसके बाद मैंने सारी की सारी अपनी जो बिल्डिंग्स होती है वो अपने प्लेस कर दी, जो नई नई लेनी होती है, सारी की सारी जो वॉल्स होती है उसको प्लेस कर दी। चलते आगे बढ़ते देखते वीडियो में क्या होता है। तो यार हमने अभी के लिए जैसा तैसा बेस ले लिया सच में यार, मेरा कोई प्लान नहीं था अभी, विदाउट प्लानिंग यही चीज़ होती है यार आपके साथ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। एंड मैं आपको अपग्रेड गाइड भी दे ही दूंगा, अगर इट इज़ सिमिलर टू TH10। अगर आपने मेरी TH10 की वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अब वो भी देख लो, वो भी एक सा सेम ही है। अपनी TH10 की वीडियो देख लो आप, उसमें एकदम सेम है, क्योंकि कोई नया ऑफेंस आता नहीं है, आते हैं तो क्या सिर्फ डिफेंसेस एंड हीरो, तो विच इज़ सेम। तो मैं आपको आज इस वाले वीडियो में देने नहीं वाला हूँ गाइड, तो चलते आज की वीडियो की तरफ। वो 6 महीने में क्या सुंदर बना देंगे, वाह। तो बुक में अभी मेरे पास जेम्स नहीं है, मैं देख रहा हूँ सिर्फ बुक्स में क्या है। मेडल्स तो कमाएंगे अभी, रुक जाओ मेडल्स कमाएंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ अभी के लिए एक डार्क का ट्रूप ही लगा देते हैं, कुछ इन्वेस्ट तो हो जाए क्योंकि हीरोज अभी करने हैं, क्योंकि हीरोज को मिला है बूस्ट, लेट्स गो। कुछ तो बस मेरे पास 54 मिनट्स का बूस्ट और था, तो मैंने अपने क्या किया, सारे के सारे जो लेवल 1 की चीज़ें थी, जैसे कि लेवल 1 की गोल्ड माइन, लेवल 1 की इलेक्जर पम्प या फिर इलेक्जर कलेक्टर जो भी बोलो, एंड लेवल 1 के जो कैनन्स थे, एंड लेवल 1 के जो सारे बॉम्ब थे, वो मैंने सब कुछ अपग्रेड करके रख दिया। तो ये है गाइस कुछ हमारे फाइनल बेस की लुक। हाँ गाइस मुझे पता बहुत खिचड़ी सा बेस लग रहा है आपको, लेकिन गाइस देखो ये प्लान है 6 to 8 मंथ्स का, यानी कि 6 से 8 महीने में पूरा पूरा बेस मैक्स। तो ये मैं ऐसा नहीं कर सकता अपने ट्रेडिशनल तरीके से कि पहले ऑफेंस मैक्स करो फिर डिफेंस मैक्स करो, डिफेंस फिर ऑफेंस के, मतलब सॉरी डिफेंस करते करते अब ट्रैप्स भी कर लो। तो ये ट्रेडिशनल तरीका मैं यहाँ तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन गाइस देखो मैंने क्या किया, देखो हम क्या करेंगे, पहले अपने ये स्टोरेजेस है इनको अपग्रेड करेंगे। तो इनमें तो गोल्ड एंड इलेक्जर दोनों लग रहा है, ये तो मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पर देखो ये दोनों इलेक्जर के, तो ये दोनों करते करते ना मैं देखो अपने पहला डिफेंस का लगाया मैंने, यहाँ पर एक और इन्फर्नो आ रहा है, एक और इन्फर्नो ले लेंगे, एंड यहाँ पर अपग्रेड करते करते फिर यहाँ पर चलेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा इलेक्जर कंज्यूम होगा, जितना ज़्यादा इलेक्जर कंज्यूम होगा इतना ही गोल्ड हम यहाँ पर भी देंगे। एंड बीच बीच में यहाँ पर ट्रैप्स है ना, ये ट्रैप्स को भी ना हमें से फिनिश करते जाएंगे एकदम धड़ाधड़, सारे के सारे ट्रैप्स कर देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, डार्क लेजर बचता रहेगा, डार्क लेजर डालते रहेंगे अपने हीरोज की तरफ। एंड फिर कहोगे ट्रूप्स का भाई क्या करेगा तू, तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे बता, इनमें से जो लेजर बचेगा ना या फिर इनमें से जो डार्क बचेगा, पहले तो बहुत डार्क बचेगा पता है, तो उन डार्क एंड लेजर को यूज़ करके मैं इधर डाल दूँगा। यानी कि सब एक एक चीज़ प्लानिंग से चलने वाली है, फ्री टू प्ले रहेगा बिल्कुल। तो यार पहले सब्सक्राइब कर दो यार, देखो मैंने बहुत प्लानिंग करके ये बेस बनाया, मैं पता है समझा नहीं पाऊंगा आपको ठीक से, क्योंकि इट इज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये, याद है मुझे। एंड देखो जैसे ही आर्मी कैंप्स हो जाए, आर्मी कैंप्स के बाद हमें बैरक करें, लेकिन हम बैरक पे स्टॉप लगा सकते क्योंकि आई हैव द पैका, एंड इनमें से मुझे विच मिल जाएगी। एक सेकंड ट्रूप्स में देख लूँ पहले क्या क्या है मेरे पास, आई हैव द विच लावा, मैं पहले क्या आर्मी यूज़ करूँगा बताए, आई विल यूज़ द हाइब्रिड, यस नहीं नहीं हाइब्रिड नहीं, रुक जाओ आर्मी भी मुझे थोड़ी सी सोचनी होगी कि क्या यूज़ करूँ, या शायद मैं मास माइनर यूज़ कर सकता हूँ, यस मास माइनर्स,
या फिर आई थिंक एक एयर आर्मी जैसे कि मास ड्रैगन्स प्लस लून्स कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहो। एंड क्योंकि मुझे ज़्यादा ट्रूप से अभी अपग्रेड नहीं करना है, ना ही बैरक के ज़्यादा लेवल करना है पहले वाले, जैसे कि बैरक सॉरी जैसे ही बैरक के सफिशियंट लेवल हो जाए मैं अपनी स्पेल फैक्ट्री कहाँ तक अपग्रेड करूँगा पता है। मास माइनर के लिए मुझे इनवी तो क्या बोलते हैं मैं ले लूँगा अपने सीसी से इनवी, तो मैं फ्री स्पेल तक अपग्रेड करूँगा एंड इससे करूँगा मैं, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं अभी, डार्क की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना पूरा टाइम बचाना चाहता हूँ। एंड इन द मीन टाइम ये दोनों तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसके कितने लेवल पता है, ये अपग्रेड करेंगे तो दो स्पेल मिलेंगे रेंज के बाद, रेंज के पेल के बाद दो स्पेल मिलेंगे यानी कि रेंज एंड दो में ये यानी कि दो लेवल टू लेवल्स ऑफ दिस एंड वन लेवल या फिर टू लेवल ऑफ दिस, तीन से चार लेवल आप इसके पकड़ के चलो एंड इसके लगेंगे दो लेवल क्योंकि मास माइनर्स के लिए माइनर्स लगेंगे। हेड हंटर को मैं लीव कर रहा हूँ, हेड हंटर नहीं चाहिए छोड़ दो उसे ठीक है, तो मास माइनर करूँगा मैं एंड तो उसको मैंने लीव कर दिया एंड उसी के साथ साथ फिर तो हमारा ऑफेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे पूरा एलेक्सर आएगा, पूरा एलेक्सर डाल देंगे अपने ट्रूप्स के ऊपर एंड आप बोलोगे भाई वॉल्स का क्या रहेगा, वॉल्स का हमेशा के लिए बिल्डर फ्री रहेगा, वीक में हर एक दिन ऐसा होगा जहाँ पर हम अपना ट्रेनिंग पोजिशन यूज़ करेंगे पूरा रगड़ेंगे एंड वॉल्स को पूरी धड़ाधड़ मैक्स करेंगे। तो ये रहेगी कुछ मेरी ऐसा पूरी स्ट्रैटेजी हर वीक यानी कि एक वीक में चार दिन ऐसे आएंगे जहाँ पर हम अपनी वॉल्स के ऊपर पूरा रगड़ेंगे एंड बाकी वीकली डेज में अगर गोल्ड एलेक्सर बचा रहा है गोल्ड एलेक्सर बचा रहा है हम उससे फॉरेंज नहीं बनाएंगे, अभी फॉरेंज फौज सॉरी जो भी है हम उसे अपनी वॉल्स पर डाल देंगे। अभी तो ये सिर्फ गोल्ड से होगी फिर गोल्ड एलेक्सर से हो पाएगी वॉल्स एंड एक मीन इन मीन इन अ मीन टाइम मुझे ये स्टार बोनस वगैरह भी बहुत ज़्यादा कलेक्ट करने हैं तो बहुत ज़्यादा काम लगने वाला है। मैं बोलते बोलते थक गया, इतना काम मैं कर पाऊँगा ऑब्वियसली कर पाऊँगा, बस आपको एक चीज़ करनी है क्या करना है सपोर्ट करना है ठीक है। तो अभी के लिए एक अच्छा इन्फिनो टाउन नहीं आएगा क्या, ओह माय गॉड ठीक है टाउन हॉल 12 में है इन्फिनो जे वेट अच्छा मैं समझ गया सॉरी अच्छा मैं समझ गया, तो आई हैव एन एक्सबो एंड ईगल आर्टलरी, ईगल के लिए तो जगह नहीं छोड़ी मैंने, ईगल जाएगा टू लेवल तक, अभी ले रहे 5 दिन पकड़ लो 8 दिन 8 5 12 होता है 12 दिन, तू जो लेवल 1 की चीज़ें हैं मैं उन्हें अपग्रेड करे जा रहा हूँ। तो अब बस यही है, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, अब से आएंगे शॉर्ट वीडियोस कम्युनिटी पोस्ट ज़्यादा, लॉन्ग वीडियोस हो जाएंगी थोड़ी सी कम, अगर लॉन्ग वीडियोस होंगी तो महीने के अंत में आ जाएगी क्योंकि अपग्रेड करूँगा मैं बता दूँगा स्नीक पीक दे के या फिर कुछ भी करके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका एरिक भाई अलविदा मांगते हैं आपसे, बाय गाइस।